उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिला सुरक्षा के लाख दावे कर ली, लेकिन सारे के सारे दावे फेल होते नजर आते हैं। जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक सनसनीखेज मामला सामने आता है, जहां केजीएमयू में इलाज करवाने आई युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि केजीएमयू के बाहर चाय का स्टॉल लगाने वाला एक युवक और उसके साथी है। बताया जा रहा है कि पीड़ित एक अफसर की बेटी है और शहर के नामी कॉलेज में पढ़ाती है। वही गैंगरेप के आरोपी में एक निजी एम्बुलेंस संचालक व दो मेडिकल कॉलेज के चाय पर ठेला लगाने वाले व्यक्ति हैं। जानकारी के मुताबिक युवती केजीएमयू में इलाज करवाने आई थी। केजीएमयू में आने के दौरान बाहर चाय स्टॉल लगाने वाले सत्यम से उसकी जान पहचान हो गई। इस बीच मोबाइल चार्जिंग के बहाने सत्यम और उसके साथियों ने युवती से गाड़ी में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दे डाला। बता दें कि सत्यम के साथ उसके साथियों असलम और सोहेल पर गैंगरेप का आरोप लगा है। पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया है। जांच में पता चला है कि रेप की घटना को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपियों ने युवती को पॉलिटेक्निक चौराहे पर छोड़ दिया था, जहां से युवती घर पहुंची और वहां उसने आबिती बताई। उससे उसकी जान पहचान हो गई थी और घटना ये 5 दिसंबर की थी। 5 दिसंबर को जब वह दुकान पर बैठी हुई थी तो 3-4 घंटे बैठी थी, उसका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था। तो मोबाइल को चार्जिंग के बहाने उसने चार्जिंग के लिए कहा अपने सत्यम मिश्रा से, तो उसने अपने एक साथी के एम्बुलेंस में उसको लगवा दिया। बाद में जब पीड़िता ने अपना मोबाइल मांगा तो वो एम्बुलेंस पता चला कि डालीगंज पर है, तो वो ई रिक्शा से डालीगंज गए और डालीगंज पर नहीं मिला तो आईटी चौराहे पर गए। आईटी चौराहे पर इनका मोबाइल मिला। उसके बाद ये लोग जो है वहीं पर गाड़ी वैगन आर से जो है ये पीड़िता के साथ लेकर गए और वहाँ पर ये घटना कारित हुई। तो इस संबंध में तत्काल अभियोगी पंजीकृत किया गया और सारे अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जिस गाड़ी से जाना हुआ वो गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। तो पूरी घटना का हमारी टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए खुलासा कर दिया। गाड़ी बरामद की, गाड़ी किसकी है वैगनार? ये असलम के भाई की है। सर, घटना के दौरान क्या ये तीनों लोग एक ही गाड़ी पे थे और लड़की भी थी? जी जी, ये घटना के दौरान एक ही गाड़ी पर थे। ये लोग यहाँ से सफेदाबाद की तरफ गए और वहाँ पर खाना भी खाए हैं और वहाँ पर गाड़ी में ही जो है ये घटना हुई है। 5 वीडियो लग गए सर मुकदमा लिखने में? नहीं, ये तो पीड़िता के द्वारा जो है स्वयं लिख कर दिया गया है कि चूंकि वो मानसिक रूप से जो परेशान थी इसलिए वो नहीं दे पाई। जब वो दिया है उसने 10 तारीख को तत्काल जो अभियोग पंजीकृत किया गया और तत्काल जो कार्रवाई भी। फिलहाल वजीरगंज थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही, जबकि पीड़िता का मेडिकल कराया गया है।